फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। कृष्णा नगर से भाजपा नेता संदीप कपूर ने आप पार्टी को दी चुनौती, एमसीडी द्वारा बंद पड़े कूड़े घर को खोल कर दिखाएं या फिर कूड़ा फेंक कर दिखाएं। जी हां, आप देख सकते हैं कि रविवार की दोपहर 2:30 बजे मीडिया को एक वीडियो जारी करके कृष्णा नगर से पूर्व पार्षद भाजपा नेता संदीप कपूर ने कहा कि आप पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि गंदगी कम हो या कूड़ा कम हो। कहा कि अगर हिम्मत है जो एमसीडी द्वारा जो कूड़ा घर बंद करे हुए हैं उनको खोल कर दिखाएं या उनकी जगह पर कूड़ा फेंक कर दिखाएं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुने आप बाइट संदीप कपूर की। जिस जगह पे खड़े हो, अगर एक साल पहले यहाँ खड़े होते तो यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि मेरे पीछे सतनाम रोड का एक बहुत बड़ा कूड़ेदान था जो 50 साल से था, और निगम ने 1.5 साल पहले जो घर घर से कूड़ा उठाने का काम शुरू किया उसमें 200 कूड़ेदान हटा लिए। लेकिन दिल्ली की सत्ता में बैठी एक पार्टी जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, उसे सफाई पसंद नहीं आ रही, और कल ही उनके एक झूठ बोलने वाले बहुत बड़े नेता ने, उसका नाम नहीं लूँगा, उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये कूड़ेदान बंद क्यों हो रहे हैं, लोगों को कूड़ा फेंकने में दिक्कत आ रही है। मैं आम आदमी पार्टी के उन नेताजी को कहना चाहता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के घरों के मुझे एड्रेस दे दो, उनके घरों के आगे डब्बे में लगवा देता हूँ, लोग कूड़ा वहाँ फेंकेंगे, आपका काम भी आसान हो जाएगा, लोगों का काम भी आसान हो जाएगा। ऐसी पार्टी जो दिल्ली की सत्ता में है लेकिन दिल्ली को बर्बाद करने में लगी है, निगम कोई अच्छा काम करते हैं उस पर टीका टिप्पणी करना, कूड़े के पहाड़ गाजीपुर के अंदर जिसे हम कम करना चाह रहे हैं और जिसमें 15 लाख मीट्रिक टन कूड़ा साफ हो चुका है, वहाँ जा के फोटो खींच के जनता को बरगलाते हैं, जनता को बोलते हैं कि 16 लैंडफिल साइट नई बीजेपी बना रही है, घर घर जाके पर्चे बनवा रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं। दिल्ली की जनता अब इन धूर्त और झूठों के चक्कर में नहीं आने वाली। मैं जनता को साफ बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल की पार्टी के लोग और उनके जैसी सोच के दूसरी पार्टियों में लोग, उन्हें मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि एक भी कूड़ेदान जो बंद हुआ अगर उनमें हिम्मत है उसे खोल कर दिखाएं, वहाँ कूड़ा फेंक कर दिखाएं, दिल्ली की जनता भगा भगा के पीटेगी। और जो लोग इन कूड़ेदानों को बंद हो के वहाँ अच्छे कामों का विरोध कर रहे हैं, जनता उन्हें देख रही है। आज सांसद जी इन कूड़ेदानों की जगह अगर 1 रुपये में खाना गरीबों को दे रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रही है। आज सांसद गौतम गंभीर जी अगर इन कूड़ेदानों की जगह लाइब्रेरी खोल रहे हैं जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, इनके पेट में दर्द हो रही है। दिल्ली की जनता देख रही है कि कैसे दिल्ली को बर्बाद करने के लिए आम आदमी पार्टी लगी है, और इसका हिंदू विरोधी चेहरा तो आपने देख लिया कि कैसे हिंदुओं के राम कृष्ण आराध्य देव को ये जो है ये काल्पनिक बोल रहे हैं, लोगों से शपथ दिलवा रहे हैं। आने वाले समय में केजरीवाल की पार्टी को और इसके जैसी सोच रखने वाली दूसरी पार्टियों में जो लोग हैं उन्हें जनता सबक सिखाएगी।